Hey guys, welcome to Rabia Skincare. हमारे स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इन सब में से जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे होती है, यानी कि वो दर्द भी देती है और जब वो चेहरे पे आपके होती है ना, तो इतना हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना, हमारा फेस हमको खुद को अच्छा नहीं लगता है और ना ही हमें बाहर जाना या किसी को फेस करना अच्छा लगता है। और ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि ये दर्द मैं खुद झेल चुकी हूँ, ये चीज मैं फेस कर चुकी हूँ, और वो है एक्ने। एक्ने वो भी स्पेशली जो पस वाले एक्ने हो जाते हैं वो हो, या आपके चेहरे पे बम्स हो, पिंपल्स हो, रेड वाले मोटे दाने, एक्ने, पिंपल्स, कुछ भी हो, ये सारी चीजें मुझे हो चुकी है। और आज आप देख सकते हो कि मेरा फेस कितना ज्यादा क्लीन है, कितना क्लियर है, मेरे चेहरे पे कोई दाने, कोई एक्ने, कोई पिंपल्स नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्ने, पिंपल्स, पस वाले एक्ने, रेड वाले मोटे दाने, पिंपल्स, बम्स, ये सारी चीजों को आप अपने घर पे ही कैसे क्लीन कर सकते हो और अपने फेस को कैसे क्लियर कर सकते हो। एकदम सिंपल है। इसमें कुछ चीजें होती है जो आपको केयर करनी होती है, जैसे आप अपने फेस पे ना, जब आपको ऐसे पस वाले एक्ने होते हैं तो आप फेस पैक नहीं लगा सकते। तो कई लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, वो लोग ये पैक वगैरह यूज कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब वो अपने फेस को घसते तो पस वाले पिंपल्स, एक्ने जो होते हैं वो फूट जाते हैं और फिर उनको गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप मेरे चैनल यानी कि राबिया स्किन केयर को फॉलो करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? अगर करते हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर टिक करो। सबसे पहला जो आपके लिए हथियार है वो है आपका फेस वॉश। तो फेस वॉश ऐसे चुनो जिसमें AHA हो, BHA हो, सैलिसिलिक और ग्लाइकोलिक एसिड के ही फेस वॉश आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे। इन केस अगर आपके पास ऐसा कोई फेस वॉश नहीं है तो आपके लिए एक चीज जो वरदान है, वरदान से कम नहीं है, वो है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। टी ट्री एसेंशियल ऑयल को आप अपनी रूटीन में मतलब ऐसे डालेंगे जैसे आप दिन भर में पानी कैसे पीते हो, बिल्कुल उसी तरह से एक्ने पिंपल्स वालों के लिए टी ट्री एसेंशियल ऑयल वही काम करेगा। अगर आपका फेस वॉश AHA BHA वाला नहीं है तो आप अपने नॉर्मल फेस वॉश को खोलेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल की डालेंगे। और जो ये एल्स गुडनेस का टी ट्री एसेंशियल ऑयल है जो मैं यूज कर रही हूँ, इसकी क्वालिटी जबरदस्त है और इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, इसलिए आप इसको बेझिझक यूज कर सकते हो। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसको आप डेली बेसिस पे यूज करते रहेंगे। ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल की एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज आपके चेहरे से डर्ट, इम्प्यूरिटीज को निकालने के साथ साथ बैक्टीरिया को रिड्यूस करेगी। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ आपके चेहरे पे उसको रिड्यूस करेगी, जिससे आपके एक्ने रिड्यूस होंगे। नेक्स्ट, फेस वॉश करने के बाद में आप अपने पिंपल्स पे कुछ अप्लाई करेंगे और उसमें से सबसे पहली चीज होगी आपके लिए टोनर। अगेन, जो टोनर है उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सैलिसिलिक एसिड वाले टोनर यूज करें। जैसे मैं जो यूज करती हूँ मेरे फेस के लिए वो है ये क्लिनिक का सैलिसिलिक एसिड टोनर। थोड़ा कॉस्टली है इसलिए मैं हर किसी को ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगी। इसको आप घर पे कैसे बना सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। इसके भी फायदे और घर वाले के भी फायदे दोनों आपके लिए एकदम इक्वल होंगे। और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो पुदीना। पुदीना में भरपूर सैलिसिलिक एसिड होता है गाइस। और उसके साथ आप लेंगे थोड़ा सा नीम, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है जो आपके पिंपल्स के लिए, आपके एक्ने के लिए जरूरी है। और इसको आपको पहले अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लेना है, इसमें कोई भी गंद, मिट्टी वगैरह कुछ नहीं रहनी चाहिए। फाइनली आपको लेना है ग्रीन टी आपके इन्फ्लेमेशन के लिए। उसके बाद आपको इसमें अच्छा एक लोटा तकरीबन इसमें आपको पानी डालना है और इसको अच्छी तरीके से आपको बॉइल करना है। बॉइल करें ताकि पुदीना का सैलिसिलिक एसिड, पुदीना की गुडनेस, मिंट के एसेंशियल ऑयल और आपका नीम की गुडनेस और साथ ही साथ ग्रीन टी की गुडनेस, ये सारी गुडनेस आपको ये पानी में मिल जाए। ये जब अच्छी तरीके से बॉइल हो जाएगा तब इसको गैस से निकाले, इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इसको छान लीजिए। छानने के बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है, वैसे इसमें जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप चाहो तो इसमें कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉप्स आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल की डालें, कमाल का टोनर बनेगा आपके लिए, एकदम ट्रीटमेंट वाला टोनर बनेगा। आप चाहो तो एब्स गुडनेस का, खुद टी ट्री एसेंशियल ऑयल का एक्ने को कंट्रोल करने के लिए और ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए टोनर आता है, आप वो यूज कर सकते हो। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको एक बॉटल में भर के आप स्टोर करके फ्रिज में रखें। और जब भी आप अपने फेस को वॉश करते हो ये टोनर, चाहो तो आप अपने फेस पे स्प्रे करें या कॉटन बॉल में लीजिए, उसको अपने पूरे एक्ने पे अच्छी तरीके से अप्लाई करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है और बहुत इफेक्टिव है।
ये आपका जो एक्ने, जो रेडनेस होती है, रेड रेड वाले जो मोटे मोटे दाने होते हैं, उसकी रेडनेस को दूर करता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, क्योंकि इसमें ग्रीन टी है, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। पस वाले एक्ने होंगे तो उसके लिए नीम और उसके लिए पुदीना बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि पुदीना का जो सैलिसिलिक एसिड है वो आपके पोर्स को प्यूरिफाई करता है, अनक्लॉग करता है, यानी कि आपके पोर्स में जो ऑयल है, जो डर्ट है, जो बैक्टीरिया है और जो डेड सेल्स का अक्यूमुलेशन है, उसको ये खींच लेता है, जिसकी वजह से आपके जो पस वाले एक्ने, मोटे मोटे भी दाने होते हैं ना, वो छोटे छोटे होने लगते हैं और एक दिन गायब हो जाएंगे। और चाहे आपके छोटे छोटे बम्स ही क्यों ना हो, आप उस पर भी उसको अप्लाई कर सकते हो, इससे भी आपकी स्किन क्लीन हो जाती है, एकदम साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। ये सिर्फ आपके पीएच को बैलेंस करने के लिए नहीं है, ये आपके एक्ने को ट्रीट करने के लिए, आपकी स्किन को क्लीन और क्लियर करने के लिए, प्लीज इसको जरूर बना के यूज करें। ये चीज करने के बाद में फाइनली आपको अप्लाई करना है क्रीम। डे में आप नॉर्मल एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हो या आपकी डे क्रीम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नाइट टाइम पे ना एक्ने के लिए मैं आपको एक क्रीम सजेस्ट करूंगी, वो है बेंजोइल पेरोक्साइड की क्रीम। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो शेयर किया है कि एक्ने के ऊपर आप कौन सी क्रीम्स यूज कर सकते हो और कौन से जेल्स यूज कर सकते हो, वो उसके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी और वो ये वाला वीडियो आप उसको चेकआउट करें। बेंजोइल पेरोक्साइड जो है 2.5% या 5% जो जैसे आपके एक्ने हो उसके हिसाब से आप उसको लेके रात में सोने से पहले अपने एक्ने पे अच्छी तरीके से अप्लाई करें। आपके जो चेहरे पे एक्ने दिख रही है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो ये बेंजोइल पेरोक्साइड ट्रीट करता है। लेकिन अगर आप होम रेमेडी चाहते हो तो उसके लिए टी ट्री एसेंशियल ऑयल, जैसे मैंने आपके लिए ऑलरेडी कहा है, वो ही आपको यूज करना है, क्योंकि वो आपके लिए एक मैजिक पोशन है। 5% बेंजोइल पेरोक्साइड इज इक्वल्स टू टी ट्री एसेंशियल ऑयल, ये दोनों की ताकत, ये दोनों का पावर एकदम सेम है। तो इसलिए अगर आप केमिकल वाला चाहते हो तो बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करें, नेचुरल रेमेडी चाहते हो बेंजोइल पेरोक्साइड की जैसे, तो आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज करें। इसको यूज कैसे करना है, डायरेक्टली कभी भी टी ट्री एसेंशियल ऑयल को अपने फेस पे अप्लाई नहीं करें, इसकी क्रीम बना के यूज करें। और इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल, 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और आपको इसमें डालना है 15 से 20 ड्रॉप्स टी ट्री एसेंशियल ऑयल की, ये आपको इसमें डालना है। इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें डालना है 3 बड़े चम्मच रोज वाटर की, और कोई एक चीज आप चाहते हो जो आपके लिए अगेन एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल का काम करे, तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दो, हल्दी पाउडर डाल दो या टर्मरिक एसेंशियल ऑयल, जो आपको अच्छा लगे वो डाल दो, मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। बस ये सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से मिक्स करें, इसका एक जेल बनाए, जेल या सीरम जैसा बनाए, रात में सोने से पहले जब आप अपनी स्किन को टोन कर चुके हो उसके ऊपर ये क्रीम आपकी जो पस वाले एक्ने हैं उसके ऊपर, अपने पूरे फेस के ऊपर, जहां जहां पे जैसे आपके पूरा चीक्स हो गया, आपके पूरा फोरहेड हो गया, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम है, पिंपल्स हुए हैं, बम्स हुए हैं या पस वाले एक्ने हुए हैं, हर जगह लेके इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करें। एलोवेरा की गुडनेस खुद उसमें हेल्प करती है, रोज वाटर आपकी स्किन के लिए टोन करता है, और हल्दी ये आपके जो इन्फेक्शन है ये उसको रिड्यूस करती है, बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करती है, दानों को आपके ये रिड्यूस कर देती है, और सबसे ज्यादा कमाल जो इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल करता है वो आपकी स्किन को क्लीन कर देता है, क्लियर कर देता है, आपके पोर्स को अनक्लॉग कर देता है, डेड सेल्स को खा जाता है, आपके ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल में लेकर आ जाता है, और बैक्टीरिया को एकदम तमाम खत्म ही कर देता है, ना रहेगा बाज ना बचेगी बांसुरी। घसना नहीं है इसको, सिर्फ लेके हल्के से इसे स्प्रेड करना है, छोड़ देना है, हल्का सा इसको सूखने दे, सो जाए, इसको वॉश नहीं करना है, सुबह उठ के वॉश करना है। गाइस एक दिन में आप अपने पिंपल्स के साइज को रिड्यूस्ड होते हुए देखोगे, एक दिन में, मजाक नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज आपको करनी है, डेली बेसिस पे करें, 1 वीक में आपकी स्किन में आपको ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये सारी चीजों को आप जरूर फॉलो करें। तो इसके लिए एकदम सिंपल सी चीज मैंने बताई है, हल्के हाथों से फेस वॉश करो, हल्के हाथों से टोनर अप्लाई करो और हल्के हाथों से जेल अप्लाई करो, आपकी स्किन सिर्फ 7 डेज में एकदम क्लीन, क्लियर और एकदम स्पॉटलेस हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलती हूँ मैं मेरे अगले वीडियो में गाइस ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के साथ में, जो आपकी स्किन का रखेंगे ख्याल। तब तक के लिए आपको रखना है अपना ख्याल, तो टेक केयर, लव यू, बाय।